सो हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाला हूँ डिजिटल अकाउंट का नंबर सिस्टम के बारे में, बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। क्यों और मेन पर्पस ये है इस वीडियो में कि मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में वो आइडिया दूँ जो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड होता है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही क्यों यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, क्यों नहीं हम लोग ऑक्टल यूज़ करते हैं या बाइनरी यूज़ करते हैं या फिर आप बोल सकते हो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले नंबर सिस्टम देखते हैं। तो नंबर सिस्टम को बेसिक चार तरह के हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं, डिजिटल में बात करता हूं। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि बेसिक आपका जो लाइक करता है दैट इज 0 to 9 करता है। ठीक है, बेसिक आपको डेसिमल नंबर क्या होता है 0 to 9 आपका यूज होता है। ठीक है, सेकंड जो हम यूज करते हैं इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। ठीक है, दैट इज बेस इज 10। ठीक है, सेकेंड जो हमारा नंबर सिस्टम होता है दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम ओनली 0 and 1। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है 2 क्यों होता है, क्योंकि 0 और 1 ही हम यूज़ कर सकते हैं, या 0 भी यूज़ कर सकते हो 1 भी यूज़ कर सकते हो आप, कॉम्बिनेशन अगर बनाओगे तो दैट इज 2C1 दैट इज 2। सो इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो बेस होता है वो 2 होता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें बेफ 10 क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 to 9 है, यानी 1 to 9 टोटल 9 और 0 इंक्लूड करेंगे तो 1 टोटल बना 10, इसलिए हम क्या कर रहे हैं टोटल बेस 10 ले रहे हैं। ठीक है, तो बेस का बेसिक पर्पस ये होता है कि हम लोग इसलिए बेस को इस तरह से लेते हैं। थर्ड हमारा जो होता है दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल का मतलब क्या होता है, दैट इज 0 to 7, यानी इसका जो बेस होगा वो क्या होगा 8। क्यों 8 होगा, 1 to 7 7 और 0 को ऐड कर देंगे तो 8, इसलिए हमारा बेस क्या बन गया 8। ठीक है, बाइनरी जो होता है वो आपका 1-bit नंबर होता है। ठीक है, वो एक ही बिट का होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बाकी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ऑक्टल जो होता है वो आपका 3-bit का नंबर होता है, 3-bit का होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे हम लोग ऑक्टल में नंबर लिखते हैं। फोर्थ हमारा होता है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है आपका, ये होता है 0 to 15। 0 to 15 मतलब 1 to 15 और 0 ऐड कर देंगे दैट इज 16। तो इसका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 16 यानी 16। ये आपका क्या होता है, दैट इज 4-bit का नंबर होता है, 4-bit का होता है। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा बताता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों नहीं यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि आपको पता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो आपका क्या होता है, दैट इज़ असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग, असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, असेंबली लेवल पे वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज पे वो काम करता है, मतलब क्या होता है कि कोई भी डिवाइस आपका वैसे भी बाइनरी नंबर या 0 या 1 पे ही काम करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, इस कारण से हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है, इसका बेस होता है 10। अगर सपोज करो कि मुझे 2-bit की नंबर बनाना, चलो मैं अच्छे से इसे लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसे थोड़ा क्लियर लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो इसका पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्यों नहीं यूज़ करते हैं बाइनरी। डेटा का प्रॉब्लम आता है, डेटा स्टोरेज का। ठीक है, अब देखो जैसे कि डेसिमल नंबर की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो डेसिमल नंबर में बेस 10 होते हैं। ठीक है, सपोज करो कि अगर मुझे 2-bit का नंबर बनाना है, 2-bit का मतलब क्या होता है, 2 place, तो 1 place और एक ये 2 place। ठीक है, 2-bit का नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज करो यहाँ पे 2-bit है, ठीक है, 2-bit है, तो आप क्या करोगे 10 to the power 2, यानी कितना हो गया 100। ठीक है, 2-bit का नंबर मतलब 10 to the power 2 यानी 100। अगर मुझे 3-bit का नंबर यूज करना है तो क्या होगा, 10 to the power 3 यानी कितना हो गया 1000, है ना, 1000 यानी 0 से अगर मैं काउंट करूँगा तो 999 और यहाँ काउंट करूँगा तो 0 से लेकर 99। ठीक है, इस तरह से चलता है, ये हमारा बेसिक फंक्शन है। अगर वही मैं अगर माइक्रो प्रोसेसर हेक्साडेसिमल की बात करता हूँ तो हेक्साडेसिमल में जो आपका बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अगर 16 होता है तो अगर सपोज करो कि अगर मुझे इसी 2-bit को अगर बनाना है तो 2-bit के लिए मेरे पास 2 places हैं, अगर 2 places मतलब 16 का पावर 2 यानी कितना होता है 256। ठीक है, 16 का पावर 256, तो हमारे पास क्या होगा 256। कहाँ आप 100 डेटा को यूज़ कर रहे हैं ना, 100 ही बिट है, मतलब तक आप कहाँ तक काउंट यूज़ कर रहे हो, 0 to 100। ठीक है, यानी 0 to 99 यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे आप कितना यूज़ कर रहे हो, 0 to 255, आप कितना यूज कर रहे हो, 0 to 255। तो सोचो देखो यहाँ पे आप 255 तक यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप 100 ही तक यूज कर रहे हो, यानी 99 तक ही आप यूज कर रहे हो, कितना डिफरेंस है ना, 255
और 99 से बड़ा कौन सा भाई, और बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ना, बहुत ज़्यादा नंबर है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग ज़्यादातर प्रीफर करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को लिखना, ठीक है, ना कि हम लोग डेसिमल नंबर, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है डेटा का स्टोर होता है, एडवांटेज है लेकिन वही है कि डेटा का फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, आप देखो ना सिंपल से, आप 99 डिजिट को स्टोर करना चाहोगे कि आप 255 डिजिट को स्टोर करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर ज़्यादा मुझे स्पेस मिलेगी, यहाँ पर मुझे 255 स्पेस मिल रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि 255 को मैं यूज़ करूँगा, ना कि मैं 99 को यूज़ करूँगा, इसलिए मैं क्या प्रीफर करता हूँ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऑक्टल की बात, ऑक्टेट की बात करता हूँ, यानी ऑक्टल, ठीक है, देखो ऑक्टल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब देखो अगर मैं ऑक्टल की बात करता हूँ, ठीक है, सेकंड अगर मैं ऑक्टल की बात करता हूँ, ठीक है, ऑक्टल में जो बेस होता है आपका वो कितना होता है आपका, दैट इज 8 बेस होता है, 8 बेस होता है। 8 बेस का मतलब क्या हो रहा है कि देखो अगर आप 0 से यूज़ कर रहे हो तो आप 7 तक जाओगे, मतलब क्या हो रहा था कि देखो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिक हम 9 तक तो यूज़ कर लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम, जो होल नंबर है वो हम क्या करें पूरा यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई बचा, आप इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, नंबर सिस्टम बन जाएगा, हेक्साडेसिमल में आप कोई भी नंबर बना सकते हो, बन जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ पे आप 7 से लेके 0 to 7 बना रहे हो तो आपका 8 छूट जाएगा, 9 भी गया, तो आप यूज़ नहीं कर सकते 8 और 9। तो बेसिक हमारा ऑक्टल नंबर को यूज़ नहीं करने का पर्पस ये कि यहाँ पे दो डिजिट मिसमैच हो जाएंगे, हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे इस, और बेसिक ये क्या होता है, ये 3 बिट का ही होता है, क्योंकि 7 है ना 7, तो आप 7 को कैसे लिखोगे, देखो 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0, ठीक है, ये लिखने का तरीका है, कोई भी आप नंबर को लिख सकते हो, आगे आप इसको बढ़ाते चले जाओ, ठीक है, आप इसे आगे बढ़ाते जाओगे 2 to the power 3, 4, 5 जितने बिट की रिक्वायरमेंट है, बट आपको पता है कि जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस कितना होता है, 3 उसका जो बिट होता है वो 3 बिट का ही होता है, ठीक है, 3 बिट का ही नंबर होता है। तो अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपको अगर जैसे कि 5 लिखना है तो 2 to the power 0 का मतलब क्या हो रहा है, 2 to the power 0 दैट इज 1, 2 to the power 1 यानी 2 और 2 to the power 2 यानी 4, ठीक है, तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका जो ओवरऑल बनेगा वो कितना बनेगा, 7, ठीक है, 4 + 2 + 1 दैट इज 7, आप 7 तक इसे क्या कर लोगे, यूज़ कर लोगे। सपोज करो अगर मुझे 5 लिखना है, तो 5 लिखना है तो मैं किससे ऐड करूँगा, 4 और 1 को ऐड करूँगा, यानी ये 1 हो गया, ये ऐड यूज नहीं हुआ तो 0, और ये यूज हुआ तो 1, मतलब इसका जो बाइनरी नंबर होगा, ठीक है, दैट इज 5 जो हमारा डेसिमल में था इसका बाइनरी हो गया 101, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज ऑक्टल में हो गया ना, ठीक है, इसका सॉरी ये बाइनरी नंबर हुआ, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, बाइनरी नंबर हुआ। उसी तरह से अगर मुझे 7 अगर मुझे सपोज करो 6 लिखना है, तो 6 को अगर मुझे बाइनरी में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, देखो 6 को कैसे मैं लिखूँगा, क्योंकि 2 मैं ले रहा हूँ ना, अगर मुझे ऑक्टल में अगर कन्वर्जन करता तो मैं 8 ले लेता, 6 आप कैसे लिखोगे, इसे यूज करोगे और इसे यूज करोगे, यानी इसे यूज करोगे आप और इस वाले टर्म को यूज करोगे, 1 को यूज़ नहीं करोगे, तो ये 0 हो गया, मतलब इसका जो बाइनरी हो गया दैट इज़ 110। इस तरह से आप बेसिक क्या कर सकते हो, ऑक्टल नंबर को लिख सकते हो। अभी मैं कन्वर्जन नहीं बता रहा हूँ, जब मैं कन्वर्जन बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बेसिक हमारा जो पर्पस था वो यही था कि हम लोग कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, क्यों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम माइक्रोप्रोसेसर में यूज़ होता है, तो ये बेसिक हमारा ऑक्टल था, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा हेक्सा की बात करता हूँ, हेक्सा मैंने बता दिया आपको, उसके लिए कोई वैसे टेंशन की बात नहीं है। तो हेक्साडेसिमल तो बाइनरी क्यों नहीं बताया, क्योंकि बाइनरी में पता है 0 1 होता है, बाइनरी ही यूज होता है हर जगह, बट बाइनरी से हम लोग क्या करते हैं डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हेक्सा का जो बेस होता है वो कितना होता है आपका, 16 होता है। 16 कैसे होता है, 0 to 9 फिर ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, ये होता है। ये हमारे 4 बिट का होता है, 4 बिट का है, हमें मिनिमम 4 बिट का होगा, ठीक है। जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर में लिखते होगे ना, मान लो चलो मैं लिखता हूँ 5H, ठीक है, ये H का मतलब क्या, H रिप्रेजेंट द हेक्साडेसिमल, यानी 4 बिट का ये हमारा 5 है, ठीक है, यानी ये 5 है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में याद रखना है कि अगर आपको मान लो 51H अगर आपको लिखना है तो आप 5 का 4 बिट, 1 का 4 बिट, मतलब क्या होगा, टोटल 8 बिट का नंबर हो जाएगा ना। 5 को आप कैसे लिखोगे, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 to the power 1, 2 to the power 0, 2 to the power 3, तो ये 1 2 3 4 बिट आपके बन गए, 4 बिट बन गए, ठीक है। आपको लिखना क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपको 51 का आपको लिखना है ना, तो ये आपके हो गए 1 2 4 और ये 8, आपको कितना लिखना है, 5 लिखना है, तो 5 आप ये 4 बिट में कैसे लिखोगे, इस 4 को यूज़ करोगे, इस 1 को यूज़ करोगे, है ना, यानी ये दोनों 0 हो गया, तो 0 1 0 1, ठीक है, 4 बिट, ठीक है। अब आपको 1 को लिखना है, तो 1 आपको ये है केवल, बाकी सब 0 हो जाएगा, यानी 0 0 0 और 1, तो ये हमारा हो गया बाइनरी,
ठीक है, 51H का मतलब ये होगा, इतना सारा डेटा एक बार वो लेके चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं बेसिक, ठीक है। तो बाइनरी तो जितना डिजिट रहेगा उतना हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे बेसिक कन्वर्ट हेक्साडेसिमल। बाकी मैंने आपको तो बता ही दिया कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं बाइनरी का, जैसे कि डेसिमल में आप 10^2 लिखते हो, 10^3 लिखते हो, 10^4 लिखते हो। सिंपल सी बात है, आप 16^2 लिखोगे, 16^3 लिखोगे, 16^4 लिखो, कुछ भी लिखोगे, इससे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जो आपका 16^n होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा 10^n से। ये आपको हमेशा याद रखना, इसलिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि हम लोग यूज़ करने के लिए नंबर सिस्टम में, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में। आशा करूँगा आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कि क्यों हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बेसिक यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैं आपको और भी बताऊँगा, मेमोरी क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे आर्किटेक्चर को लेके। मैं आर्किटेक्चर जब बताऊँगा माइक्रो प्रोसेसर का ना, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। इतने अच्छे से एकदम क्लियर बताऊंगा क्यों माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर से इतना डर लगता है आपको। मैं पेंटीएम में ARM प्रोसेसर तक आपको समझा दूंगा कि उसका आर्किटेक्चर कैसे बनता है। बट आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, एक टाइम टू टाइम चलता है, ठीक है। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं इसे पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। बट कोशिश रहती है मेरी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक ये समझाया। अब देखो क्या होगा, अब जैसे कि मैं माइक्रो प्रोसेसर बताऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, मेमोरी, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है मेमोरी। सबसे पहले मैं आपको मेमोरी के बारे में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक तीन ऑपरेशन होते हैं, फेच द डेटा, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो फेच कहाँ से करेगा, मेमोरी से। तो सबसे पहले मैं मेमोरी बताऊँगा, फिर आपको रजिस्टर के बारे में बताऊँगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको ALU बताऊँगा, फिर एक्यूमुलेटर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डिकोडिंग का प्रोसेस बताऊंगा कैसे डिकोडिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट बताऊंगा। इस तरह से जब पूरा का पूरा मैं आपको एक एक पार्ट, सोच लो कितना वीडियो बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी बहुत सारे फंक्शंस उसमें आते जाएंगे। तो इस तरह से वीडियो बनाऊंगा, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद पूरा का पूरा हर एक चीज़ को मर्ज कर दूंगा एक में, वो बन जाएगा आपका आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो बेसिक इस तरह से ही काम होता है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी से फेच करेगा, उसके बाद क्या होगा, रजिस्टर में जाएगा डेटा, रजिस्टर में ही तो आप डालोगे, फिर एक्यूमुलेटर, फिर ALU उसको करेगा, फिर डिकोडिंग होगा, फिर ALU जाएगा, फिर ALU एक्यूमुलेटर को देगा, फिर आपका टाइमिंग एंड सर्किट कंट्रोल डायग्राम बाहर क्या करेगा, निकाल देगा। तो इस तरह से मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा, सब पढ़ लोगे, फिर एक बार मर्ज कर दूंगा तो बन जाएगा आर्किटेक्चर। मतलब जिस दिन मैं मेमोरी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, समझ जाना आपका आर्किटेक्चर का क्लास स्टार्ट हो गई है, आप माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर समझ सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे करके जब सारा चला जाऊंगा, फिर एक वीडियो में पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आपको दिखा दूंगा कैसे बनता है और कैसे काम करता है पूरा का पूरा एक प्रोग्राम। क्योंकि आर्किटेक्चर रटने की चीज नहीं, आर्किटेक्चर बेसिक एक क्या है, साइंस का पार्ट है, कैसे आप उसको डायग्राम को समझते हो। क्योंकि एक इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है वो डायग्राम एनालिसिस। कल हो कि आप किसी भी कंपनी में जाते हो, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए तो कंप्यूटर के फील्ड में कुछ नहीं है कि आपको कोडिंग करना बैठ के, आपको करना क्या, प्लांट में काम करना है, या फिर आप किसी कोर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी में आप जॉब करोगे, उसमें आपको क्या बेसिक करना पड़ेगा, उसमें आपको बेसिक डायग्राम देखना पड़ेगा। तो डायग्राम की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि एक डायग्राम को आप देख के समझिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे डायग्राम में ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक स्टेप करके हो रहा है। जब आप पूरा समझ जाओगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन सेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर, कोई छोटा पार्ट नहीं है माइक्रो प्रोसेसर, बहुत वास्ट टॉपिक है, बट बहुत आसान टॉपिक भी है अगर आप उसे समझना चाहते हो, कोशिश करते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता है, लेकिन जब समझ जाते हो तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। बस इसमें यही है माइक्रो प्रोसेसर में, एक बार आप समझ गए, आपको लाइफ में दोबारा इस चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं। आप समझ सकते हो, आप समझा सकते हो किसी को भी, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोर कंपनी की बात करता हूँ, मैं तो ऐसा वीडियोस बनाता रहता हूँ क्या क्या कोर कंपनी में रिक्वायरमेंट है, तो माइक्रो प्रोसेसर मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन होता है जो हमेशा इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सेमीकंडक्टर बेस का जितने भी कंपनी है, सेमीकंडक्टर के फील्ड में आप जॉब चाहते हो या कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहते हो, तो आपको माइक्रो प्रोसेसर तो एकदम आना ही चाहिए, क्योंकि पहला सवाल ही होता है माइक्रो प्रोसेसर से। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिक है, और बहुत ये नहीं आपसे पूछेगा कि पेंटियम के बारे में बताओ, कोर के बारे में बताओ, कोर i7, कोर i5, उसको बेसिक 8085, 8086 हो गया, 8051 हो गया, इस तरह के ही माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट होता है। क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखता है कि आपका जो समझने की कैपेसिटी वो कैसे आपको किसी चीज़ को, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।